Got it, got it. Yes, so finally we have Komal Rizvi with us. मैसेज भेज भेज के रिक्वेस्ट भेज भेज के आई डोंट नो क्या हो रहा था एंड आई वाज लुकिंग फॉर यू एंड आई सेड ये आज सारी बातें कोमल के बजाय मुझे करनी पड़ती है इज दैट यू नर्सरी इट्स सो ब्यूटीफुल वेल थैंक यू मैं छुप के अपने बच्चे की नर्सरी में बैठी हूं और वो पूरे घर में पूरा होता है और फोन ही इज सो फॉन्ड ऑफ द फोन तो फोन खींच लेता है पूरा और ले जाता है या Kids are obsessed with phones. So kya like Marshall, you looking fresh, beautiful skin. Oh God, main to abhi naha ke baithi hu. I don't have any makeup on my face. Main paglon ki tarah daudi hu jab maine time dekha hai. Like, oh God, she's gonna kill me. But you're looking good or fresh. Thank you. So, you know, I have a company called Truly Komal, right? So, मैंने अपने Truly Komal के थ्रू sanitizers और hand washes लॉन्च किए हैं तो बस उसकी it's a really really good reliable product and I've just literally all day been firefighting, you know, कभी printer बंद हो जाता है कभी bottle बनाने वाला बंद हो जाता है कभी transport बंद हो जाता है कभी courier बंद हो जाता है So I'm just working really hard from home, trying to figure out all the logistics, and it's just crazy. And then uske baad is it launched? Hoge market mein? Yeah, it's launched. I mean, abhi to you can like order it online, and it's available at Aghas and the big stores like Springs and Nahid. But most Truly Komal. Yeah, Truly Komal hand sanitizer and hand wash. So I'm very proud of that. This is something really good because now these sanitizers are they're going to be part of our lives. I think for the next 1 year, very much so. Because अभी आने वाला साल जो है वो काफी अजीब लग रहा है. No, लोग जल्दी बाहर जाते हैं, बड़े बड़े घर के रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं जाते हैं, या किसी से हाथ मिलाते हैं. क्योंकि पहले भी जब मैं जाती थी political काम के लिए बस यार मुझे पता है मैं ये सैनिटाइजर वैसे भी लॉन्च करने वाली थी लेकिन मैंने इसको थोड़ा प्रीपोन किया थोड़ा जल्दी लॉन्च किया क्योंकि जब मैंने देखा कि मार्केट में कितने बिल्कुल घटिया बकवास ब्रांड्स आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनी पर्टिकुलर ब्रांड लेकिन झूठ पे झूठ और पैसे पे पैसे ओवर प्राइस मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ मैं और उसकी क्या प्राइस है इट्स 200 रुपीज फॉर अ 60 ml बॉटल सो इट्स रीजनेबल एक वक्त आया था कि मार्केट में 60-70 ml जो है वो 400-500 के हो गए थे तो इट वॉज रियली रिडिकुलस सो बिसाइड्स वर्क आई एम कुकिंग अ लॉट एंड आई हियर योर कुकिंग अ लॉट मैं तो कोमल ऐसे पका रही हूँ जैसे कि मेरा काम ही पकाना है लिसन आई रियली वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन लाइव कैन आई आस्क यू अच्छा मैंने मैंने सरसरी बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना पोस्ट लगाने जाती हूँ और फिर मैं ऑफलाइन हो जाती हूँ बट मैंने सरसरी एक देखा कि हाउ टू मेक चिकन एंड सम पीपल वर लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट एंड आई वाज लाइक व्हेन आई स्पीक टू शर्मिला व्हाट आई हैव टू आस्क हर व्हाट शी मेंट बनाई थी और मेरा जो स्टाफ है वो कह रहा था नहीं मैं बनाते वीडियो बनाते हैं यूट्यूब बनाते हैं खाना खाना बनाएंगे
यार माफ नहीं करते यार, लोग माफ नहीं करते हैं। मैंने ये ईदी के साथ, मेरे साथ हुआ था कि मैंने बहुत सारी, जब मैं ईदी को मिलने गई, ईदी साहब को, उनकी एक्चुअली बेगम के लिए मैं काफी काम करती हूँ, उनकी ऑर्फिनेज, उनके जितने भी ऑर्फिन लड़कियां हैं उनकी शादियों में जाके मैं परफॉर्म करती हूँ फॉर फ्री, तो उनके साथ मेरा चलता रहता है। तो जब उनके ग्रैंड सन हसन ने कहा कि मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं, तब मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि मैं भी कहूं कि भाई मुझे भी सेल्फी चाहिए, और मैंने बहुत सारी तस्वीरें खींची सबके साथ ना, बिल्की साहबा के साथ भी और एदी साहब के साथ भी, और उसमें वही था कि एक एक में उनकी आंखें बंद थी, बिल्कुल नहीं थी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सो नहीं रहे, आंखें चमका नहीं रहे, वो कुछ और ही लग रहा था। लेकिन मैंने तुम्हारी तरह, मैंने कहा चल डाल दू यार, क्या है क्या हो जाए, 100 तस्वीरें हैं उसमें एक में उनकी आंख बंद है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। बट आई टेल यू दीज पीपल, दे डोंट फॉरगिव यू, दे डोंट फॉरगिव यू। मेरे तो चिचड़े मतलब उड़ा दिए उसने मुझे उन्होंने। याद है कि उन्होंने कहा कि यार इतना इनसेंसिटिव ना कि तुमको बस डाकर में सेल्फी ले। एंड यू नो ये बहुत दफा ऐसे होता है कि ऐसे मोमेंट होते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि एक रिमेम्बरेंस रह जाए, यू नो दोबारा ये या मौका मिले या ना मिले तो बस। लेकिन लोग जो है ना या माफ नहीं करते कुछ अच्छा, इतनी और वो तरफ। मेरे गाने सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे लंबी जुदाई सुनाओ, और वो और बैकग्राउंड में जो है वो ये हो रहा है, पोस्ट पे हसन का फोन आया मेरे भाई का कि बाज हैव यू सीन द कमेंट्स ऑन योर फोन, हाँ आई एम लाइक नो आई हैवंट, बट इट्स रियली क्रेजी कि लोग बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो बस दे जस्ट कमेंट कमेंट कमेंट। इसमें आई थिंक एग्जैक्टली बहुत ही इनोसेंट सी चीज थी कि एक सेल्फी ले ली, लेकिन या लोगों ने उसको भी बड़ा बना दिया कि कौन ये और वो वैसे तो बनी ओवर। कैसे तुम्हारी चिकन, अच्छी बनी? वो मेरी फिश थी वो बड़ी अच्छी ओह बनी शिट सॉरी, वो फिश अच्छी बनी? एक्चुअली रेड स्नैपर ओके। एंड ओके तो या मैंने कहा बना रहे थे बस तो बता तो मत बनो, मैंने नहीं बना दिया मुझे बना नहीं लेना चिकन वाला। ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आई विल गेट बैक टू व्हाट आई डू। तो मैंने बस कल घर पे बेसन का हलवा बनाया भाई, क्या बनाया। बेसन का हलवा ओह वाओ आई लव या बेसन, मजेदार। इट्स अ वेरी वेरी इजी रेसिपी, एंड आजकल तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन कुछ पका रही होती हूँ, बिकॉज और क्या करे इंसान। क्या करें ना, मतलब यू नो लाइक हाउ डू यू, ये टाइम कैसे बंदा पास करे यू नो। बट कोमल यू तो लिव विद अ लॉट ऑफ फैमिली माशाल्लाह, पेरेंट्स भाई भाभी बच्चे वगैरह। मैं अक्सर आपकी तस्वीरें देखती हूँ यू नो छोटे बच्चों के साथ, सच है लाइक सब टाइम बड़ा जल्दी गुजर जाता है। उफ, मेरे घर में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, और सब बंद हैं, और सब जो है वो एक दूसरे के सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह दो भाई हैं, दोनों भाई के तीन तीन बच्चे हैं, प्लस हमारा स्टाफ है, प्लस अम्मी अब्बू हैं, और स्टाफ के भी बच्चे हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और सबको बोर्ड गेम्स यानी लूडो और स्क्रैबल और उसको क्या कहते हैं वो जो यूं करके मारते हैं गोट को, कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं, और मोनोपली खेल रहे होते हैं, और सीक्वेंस का आजकल सबको ऑब्सेशन चला हुआ है। अभी मैं वही कर रही थी, मैं अपने भाइयों के साथ सीक्वेंस खेल रही थी, फिर मैंने अपनी वॉच देखी। मुझे आई शुड हैव एक्चुअली कॉल्ड यू बिफोर 9 एंड रिमाइंडेड यू। आई डोंट ब्लेम यू, बंदा भूल जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है, बैठे बैठे क्या टाइम हो गया। मैं देखी या अभी स्कूल 8:30 बजे थे एंड आई वाज यू नो लाइक रिकॉर्डिंग अ शो, पर मैंने जल्दी टीम को बोला, मैंने कहा जल्दी रैप अप करो, मैंने 9 बजे अरे कहा जरूरी काम पे जाना था, काम पे कहा जाना है, मैंने कहा लेकिन बहुत कमरे में जाना है काम पे। तो नर्सरी में छुप के काम करना है। पहले कि हमारा टाइम अप हो जाए क्योंकि मैं एक
क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे कॉमन ये बताइए कि ये यू हैव माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल स्किन, तो आपका थैंक यू। स्किन सी आई थिंक दैट स्किन जो है ना, इट डिपेंड्स, काफी डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है और आप की न्यूट्रिशन क्या है। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है और आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, तो आप समझ लें 50% आपका तो वहां काम हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सिस्टोलिक एक्नी, स्ट्रेस एक्नी, दे हैव जेनेटिक एक्नी, एंड उसका जो इलाज है वो लाइफस्टाइल ठीक करने का है। एंड लाइफस्टाइल का मतलब ये कि आप जो है वो मेडिटेट करें, योगा करें, या यू नो एनीथिंग दैट काइंड ऑफ डी स्ट्रेसेस यू, वो करें। हमारे लाइफस्टाइल्स बहुत स्ट्रेसफुल हैं, जिससे हमारी लोग रियलाइज नहीं करते। नॉट जस्ट एक्ने, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन पोर्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वो हो जाते हैं ड्यू टू आर बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर, टू मच सन, फ्रेकल्स हो जाते हैं, मिलाज्मा हो जाता है, रोजेशा हो जाता है। द ओनली वे यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन इज आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। जेनेटिक्स के अलावा आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, यानी उसमें कोई सीरियस केमिकल्स ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, फैलेट्स ना हो, और आपका रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, देयर लाइक, ओ एक दफा क्रीम लगाने से मैजिकली मैं व्हाइट हो जाऊंगी या मैजिकली मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक स्किन के जो लेयर्स होते हैं, आपकी एक स्किन साइकिल 28 डेज में आपका शेड होती है, आपका जो झड़ती है जिसे कहते हैं, राइट? तो अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन है या आपके स्पॉट्स हैं, तो वो 3 to 4 स्किन साइकिल्स में जाता है, क्योंकि वो स्पॉट अंदर तक डैमेज कर चुका होता है। तो वट एवर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, दैट्स नॉट हार्श फॉर योर स्किन, इट विल टेक टाइम टू स्टार्ट, यू नो, टू स्टार्ट गिविंग यू एंड शोइंग यू रिजल्ट्स। वॉट पीपल वॉन्ट इज दे वॉन्ट इंस्टेंट बेनिफिट। तो ये मैं समझा समझा के थक गई हूँ, दैट मैं सिर्फ पानी बहुत पीती हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो अच्छी क्वालिटी का यूज करती हूँ, रात में मैं हमेशा अपनी स्किन को क्लीन करके, लाजमी 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 क्लीन करके और अपना नाइट मॉइस्चराइजर लगा के सोती हूँ। और सुबह के टाइम मैं लाजमी कुछ करूँ ना करूँ, मैं सन ब्लॉक जरूर लगाती हूँ, बिकॉज हमारा सन जो है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हार्श है और बहुत डैमेज करता है स्किन को, बहुत कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती हैं। बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज दैट स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, एंड द टॉक्सिसिटी लेवल्स दैट योर स्किन अब्जॉर्ब्स, जो टॉक्सिन्स जिसे कहते हैं, आई डोंट नो उर्दू में टॉक्सिसिटी को क्या कहते हैं, बट हमारे स्किन से जो जिसम जो भी गंध है, जो भी जहर है, वो हमारी स्किन से सबसे ज्यादा मुंह के बाद हमारी स्किन अब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप अपने स्किन का ख्याल नहीं रख रही हैं या रख रहे हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एंड पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, देयर लाइक ओ सनब्लॉक सनब्लॉक। तुम्हें पता है शर्मिला, मेरा माशाल्लाह, मेरी कंपनी जो है वो इतनी से इतनी बड़ी हो गई 6 महीने में माशाल्लाह, लेकिन अभी तक मेरा जो स्लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो मेरा सनब्लॉक है। लोग मेरी It's very, very hard, but you have really good skin too. Do you have sensitive skin? लिसन, छतरी से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जब तुम सारी कमरे में लाइटें बंद कर देती हो, दिन में रोशनी आती है, राइट?
तो रोशनी कहाँ से आ रही है? वो सन से आ रही है. सो आप अगर देख सकती हैं कुछ, तो इसका मतलब है रोशनी है और वो आपके स्किन पे लग रही है. सो यू मस्ट वेयर सन ब्लॉक, यू मस्ट मस्ट वेयर सन ब्लॉक. ट्राई माई सन ब्लॉक, आई सेंड इट टू यू. इट्स नॉट ऑयल बेस्ड, इट्स इमल्शन बेस्ड, सो इट सूट्स ऑयली स्किन एज वेल. एंड आई फील लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू टू वेयर माई सन ब्लॉक, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ रियली गुड सन ब्लॉक फॉर ऑयली स्किन. ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सनब्लॉक वाकई लगाना है, मुझे मुंह पे लगाना है, मुझे हाथों पे लगाना है, क्योंकि मेरे हाथों में पिंपल्स थोड़े हो गए. शक्कर मैं बचा लेती हूँ, मैं दुपट्टा शुपट्टा ले लेती हूँ, मैं छत्ती ले लेती हूँ, और अवॉइड करती हूँ सन में जाने के, क्योंकि मुझे सर में भी दर्द हो जाता है कि मैं ज़्यादा धूप के अंदर जाऊँ. तो या बट सो ग्लैड के यू नो योर कंपनी इज डूइंग रियली वेल. लाइक थैंक यू. मैंने कोमल की कंपनी में मैंने ट्रांसफर हुआ है ना, और फिर मैंने कोमल से बोला अगर यहाँ लोग बड़े फिक्र हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो दोबारा नहीं लेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लेंगे, क्योंकि चॉइसेस या बहुत हैं. एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं जो यू नो योर कंपनी इज डूइंग एंड पीपल आर बाइंग अगेन एंड अगेन. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. सो कोमल, यू डिड एक्टिंग आल्सो, आपने एक्टिंग भी की एंड सिंगिंग ऑफ कोर्स. आई यू नो आई एम अ फैन ऑफ योर सिंगिंग एंड That's so sweet. एंड यू व्हेन यू सिंग यू आर सो इनटू सिंगिंग, लाइक यू सिंगिंग फ्रॉम विद इन. You play with music, so you enjoy singing. So, what do you prefer? I mean, acting or singing or both? Then my number one love, from business to cooking to acting to singing to everything, my number one love is music. Like, music is my soul. उसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ. और मेरे बहुत बुरे वक्तों में मेरे रियाज ने मुझे सैनिटी दी और ठहराव दिया, और मेरे कोर को बचा के रखा फ्रॉम नेगेटिविटी. सो म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी, एवरीथिंग. और पता है पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी लिसनर्स जो हैं, हमारे म्यूजिक लिसनर्स जो हैं, वो अब आप उनको चीट नहीं कर सकते. सो दैट्स द प्रॉब्लम. आप बेशक बहुत क्लासिकल ना गाएं, आप बेशक बहुत सिंपल गाएं, लेकिन यू कांट लाई नाउ टू पाकिस्तानी म्यूजिक लिसनर्स, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को पैदाइशी सुनते आ रहे हैं, लता से लेके, नुसरत से लेके, राहत से लेके, आबदा जी से लेके, रेशमा जी से लेके, मेहदी हसन से लेके, हम लोग लेजेंडरी वोकलिस्ट्स को सुनते हुए आ रहे हैं. हमें एज अ कंट्री, हमें एडवांस्ड लिसनर्स में शामिल किया जाता है. वी आर नॉट इडियट्स एनी मोर. हम लोग सुन के बता देते हैं कि जो इंसान गा रहा है वो सच्चा गा रहा है, सच गा रहा है. तो आप चाहे सिंपल गाएं, चाहे आप बहुत सेमी क्लासिकल गाएं, या फुल क्लासिकल गाएं, जो भी आप गाएं, अगर आप फीलिंग से गाएं और अगर आप अपनी सच्चाई से गाएं, तो वो गाना चलता है, जरूर चलता है. That's so true. हमें सुन सुन के अंदाजा हो गया, और इतने ग्रेट सिंगर्स को हमने सुना है कि ना वी या नो कि अच्छा कौन गा रहा है और इसको गाना आता नहीं है, इसको कुछ समझ है गाने की कि नहीं है, या ये बस ऐसे चल चलाओ कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है. एंड आई थिंक पीपल या डोंट रियली यू नो इफ यू आर नॉट सिंगिंग वेल लोग फिर नहीं सुनते, बट इफ आपने जरा सी भी सच्चाई है तो यू नो इट गोज वेरी 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 वेल, है ना. तो अगर या आजकल घर में आप हो तो कौन सा गाना आप गुनगुना रही हो, या दिल चाहता है कि आप थोड़ा सा गुनगुना मुझे तो लग रहा है कि मैं गुनगुनाना भूल गई हूँ, मैं इस क्वारंटीन में. है ना. मतलब ये लाइक ऐसे है कि हम बस बंद हो गए और यू नो वी डोंट नो व्हाट टू डू. इनफैक्ट मैं भी ग्रोसरी शॉपिंग गई थी, एंड आई बम्प्ड इनटू अ कपल ऑफ पीपल. उनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो काफी फेमस सेलिब्रिटीज थे, और वो बार बार, मैं मास्क पहनी थी, ग्लव पहनी हुई थी, और बार बार वो झुक के मुझसे बात कर रहे थे, करीब आके मुझसे बात कर रहे थे, जबकि साफ कहा गया है कि आपने जो है वो 6 फीट का डिस्टेंस रखना है वाइल टॉकिंग. और मेरे घर में बच्चे हैं, अम्मी अब्बू हैं, और मैं बार बार उनसे कह रही, ये अच्छा भी नहीं लगता ना बार बार कहना कि दूर रहे, दूर रहे. लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कोमल, इट्स सो डेंजरस, इट्स टू बी डेंजरस.
नहीं वो कह रहे बहुत ही प्राउडली कह रहे कि अरे पाकिस्तानी तो चीते होते हैं, हम तो बहुत ढीठ हैं, हमें तो कुछ हम हर चीज सर्वाइव कर जाते हैं, और यार अब बस घर से निकलना है यार। मैंने कहा नहीं, आपको घर से नहीं निकलना है, आपको घर में रहना है, क्योंकि आप दूसरों को दे सकते हैं। निकल के रोना से डरना नहीं है, लड़ना है। भाई हमें घर से बाहर निकल के नहीं लड़ना कोरोना से, हमें इससे डरना चाहिए और घर में रहना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक कि आई मीन आई डोंट नो, जब जब निदा यासर ने ये शो पे बोला था तो आई डिडंट टेक इट कि डरना नहीं है लड़ना है, आई टुक इट लाइक कि भाई आप लड़े और आप घर में रह के लड़े। इसको आप इस डिजीज को आप फीड करेंगे अगर आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे लोगों से, और आप हाथ नहीं धोएंगे, और आप मतलब देर आर प्रोटोकॉल्स दैट यू कैन फॉलो, इट्स लाइक अ फ्लू, यू नो, यू डोंट वांट इट टू स्प्रेड, सो यू स्टे होम एज मच एज पॉसिबल, ताकि अगर आपको फ्लू आए आप किसी और को नहीं दे, खत्म बात। लेट्स सी, अभी हमें आई थिंक पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस पेंडेमिक से निकलने में बड़ा टाइम लगेगा, जब तक कि पूरी दुनिया से खत्म नहीं होता, या कोई दवाई नहीं बन जाती, या कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। लोगों से आप गले लगना छोड़ दें, ये रोज रोज की सोशलाइजेशन है बड़ी गुर्बत में, और आप खुद के भी होते हैं सब देखते हैं, दूसरे लोग ये बड़ा डेंजरस है, इट्स वेरी 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 डेंजरस। सो कोमल, बिफोर आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, आई नो यू आर बिजी व्हाइल इन क्वारंटाइन टू, सो मतलब हमें कोई ऐसी चीज सुना दें जो आजकल आपका बड़ा दिल चाह रहा है, और यू नो लाइक फरमाइशें तो बहुत सारे, आपके इतने सारे आपके अच्छे अच्छे गाने हैं, जो मेरा खुद जरा से बड़ी फरमाइशें थी, बट आई वांट टू नो व्हाट आपको क्या दिल चाह रहा है, समथिंग लाइक दैट। यार आई कैन डू लंबी चौड़ाई फॉर यू इफ यू वांट। I see, I love, you sang it so well. I, you know, इससे पहले कि मुझे कुछ कुछ बोले, I think आपने ओरिजिनल से लिखा है, like I really love ओ it, माय, I really love it. मुझे बाकी मुझे ऑप्शन दे ना, अगर रेशमा किसी का सुनने का या कोमल किसी का, तो मैं कोमल रुमी की लंबी चौड़ाई, and I really love it. नो नो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट ऑनेस्टली मैं उनके पैरों की खाक भी नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू और थैंक उनकी आपकी बात यू। को लेकिन यू नो इससे भी ऐसा होता है कि जो शागिर्द होते हैं ना, जो सीखे हैं, जो यू नो लाइक दे कैन डू इट बेटर, सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, यू रियली लाइक आई थिंक यू जेन्युइनली लव मी, बिकॉज अदरवाइज यू वुडन्ट। एंड आई लाइक जेन्युइनली लव योर सिंगिंग, बिकॉज़ आई नो यू नो सिंगिंग, यू नो दैट्स योर लव टू सिंग फ्रॉम योर हार्ट। I do. That I do. Okay, so two lines and then we will both go on to our regular quarantine lives. ठीक है? Okay. वैसे आवाज मेरी क्लियर आ रही है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू? बिछड़े अभी तो बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई मेरी जान दुहाई, लंबी जुदाई चार दिना दा, प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। You Thank you. absolutely fabulous, fabulous. And Thank you, thank you, you know, thank you. once we're out of this quarantine or normal
Done. Done. Thank You you are so too much for kind. adding Thank you your for story. having me, my love. Truly cool company ko author rakhi de and I'm definitely going to get this and Okay. Send me your address. I'm gonna send you some. All right. Thank you. Take care and give my love to your beautiful mom. वैसे कोमल की मम्मा भी बहुत अच्छा गाती हैं and I think it's this is in her genes. So take care and love you. I will. I will. I will. Love you. Right. Take care. Bye bye. Bye.